गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए, आई होप कि आप अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 3A, जिसका नाम है द रंगोली। ओके, और द रंगोली में लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है। ओके, इट्स टॉक अबाउट India is a country where people of different caste and creed live together. India is the best example of unity in diversity. We enjoy our festivals with each other. This is the story of two children of different communities and their innocent conversations, which is bound to make us think over. Okay, so ये जो story है, ये दो बच्चों के बीच की बातचीत हो रही होती है, और दो बच्चे जो हैं जो अलग अलग जाति धर्म के हैं, और कैसे वो एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत घुल मिल जाते हैं थोड़े समय में ही, इसी को यह पूरी कहानी दिखाती है। एंड दिस स्टोरी ऑल्सो शोज अस अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज़ आवर कंट्री इज वन ऑफ द यू कैन से दैट वर्च्यूज। सो ये कहानी हमें अनेकता में एकता, जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसको भी दर्शाता है। और फेस्टिवल्स जो हैं वो इंडिया की पहचान है, सभी जाति धर्म के लोग जो हैं वो अलग अलग फेस्टिवल्स को एक साथ मिलके मनाते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू रीड इन द वेरी फर्स्ट पेज। सो यस, यू कैन सी, आप इसके टेक्स्ट के थ्रू जाओगे तो आप पाओगे कि दिस इज़ अबाउट अखिल। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग फ्यू स्टार्टिंग लाइन्स। Nobody seemed to want Akhil around. Dadi had just shooed him out of the kitchen, and now Mummy wanted him out of the way of her cleaning. Everybody was busy getting ready for Diwali. I wish there was something I could do, mobbed Akhil. So, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? Situation is that it is the scene of Akhil's home. Akhil के घर का scene है, ठीक है, जहाँ दादी और मम्मी जो हैं वो दिवाली के तैयारियों में लगे हुए हैं और दोनों बहुत बिजी हैं, ठीक है, और सभी चाहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब करते हैं कोई भी काम को करने में, तो दोनों चाह रहे हैं कि बच्चा जो है अखिल वो उनके काम से दूर रहे। और इस कारण से अखिल जो है वो भी सोचता है कि काश मुझे भी कुछ काम करने को मिलता। देन एट दिस टाइम उसकी मम्मी उसको बोलती है कि क्यों ना इस बार की रंगोली तुम ही बनाओ। ओके, अखिल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउट है बिकॉज उसने ऐसा कभी पहले नहीं किया है। सो उसकी मम्मी उसको एनकरेज करती है दैट देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ओके, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई काम हम लोग पहली बार करते हैं, और तुमने मुझे कई बार देखा है रंगोली बनाते हुए। फिर अखिल के मन में एक और दुविधा आती है कि वट टू मेक, वट डिज़ाइन शैल आई मेक, वंडर्ड अखिल। तो मैं डिज़ाइन क्या बनाऊँ, रंगोली तो मैं बना लूँ लेकिन डिज़ाइन क्या बनाऊँ। उसकी मम्मी उसको बोलती है, देख मैं मेक वट एवर यू लाइक अखिल, तो जो तुमको बनाना है, जो तुमको पसंद है अखिल तुम वो बनाओ, ठीक है। क्योंकि मम्मी को अपने काम पे जाना था, तो उसकी मम्मी बोली जो तुमको अच्छा लगे तुम बनाओ। देन अब अखिल जो है वो उसी जगह को चूज़ करता है जहाँ हर साल उसकी मम्मी बैठ के रंगोली बनाती है, और वो कोई और जगह नहीं बल्कि दरवाजे के फ्रंट में, दरवाजे के जस्ट बाहर है का एरिया चुनता है, जहाँ पे उसके दरवाजे के ऊपर गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और गांधी जी की फ़ोटो के बारे में हमेशा अखिल सोचता है कि इनका चेहरा तो मेरे नाना जी से मिलता है। अब उस जगह पे बैठ के अखिल जो है वो अपने उंगलियों में रंगों को छूने लगता है उंगलियों से, और सोचने लगता है कि वो क्या बनाए। सडनली उसके दिमाग में आता है दैट ही सैट ऑन द फ्लोर थिंकिंग ऑफ व्हाट टू मेक अ लैम्प। वो सोचता है क्यों ना मैं एक लैम्प बनाऊं, यानी मैं एक दिया बनाऊं। यस, और वो सोचता है यही सबसे अच्छा है, सबसे सूटेबल है दिवाली के लिए। अब वो आउटलाइन बनाने लगता है दिया का, तभी अचानक से एक आवाज़ उसको सुनाई देती है जो कि बोल रही है कैन आई हेल्प यू। और अखिल मुड़ के देखता है कि कौन है ये, तो नोबडी इज़ देयर बट मुमताज़। ओके, मुमताज़ जो उसके बगल में रहने आई है,
ठीक है, वही उससे बोल रही है। मुमताज़ को अखिल बहुत अच्छे से नहीं जानता है, बिकॉज शी एंड हर मदर हैड कम टू द बिल्डिंग जस्ट अ मंथ अगो। ठीक है, उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं, वहाँ पे 1 महीने पहले ही मुमताज़ और उसकी माँ रहने आए हैं, और वो ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। सो इससे पहले कि अखिल कुछ और जवाब दे पाता, मुमताज़ बैठ जाती है वहीं पे और रंगों को छूने लगती है। अब अखिल जो है वो बोलता है, मुझे भी रंगोली बनाना पसंद है, तुम यहीं पे बगल में बैठो और तुम अपना डिज़ाइन बनाओ, मैं अपना बना रहा हूँ, देखो मैं एक लैम्प बना रहा हूँ। कुछ देर दोनों बच्चे जो हैं वो शांत बैठ के अपना काम करने लगते हैं। सडनली अखिल जो है वो मुमताज़ से पूछता है, दैट वेयर इज़ योर फादर। अपना काम करते करते अखिल उससे पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। देन मुमताज़ उसको बताती है कि उसके पापा जो हैं वो बॉम्बे राइड्स में मारे गए हैं। देन अखिल को ये बहुत बहुत ख़राब लगता है सुन के, और वो पूछता है कि आखिर राइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर राइट्स। अब मुमताज़ जो है, जिसके पापा नहीं हैं ऑब्वियसली, जिसके गार्जियंस नहीं होते हैं, मम्मी या पापा जिसके नहीं होते हैं, वो थोड़े बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, वो छोटी सी उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो मुमताज़ उसको बताती है कि राइट्स क्या होते हैं, अपने शब्दों में वो बताती है एक बड़े की तरह, दैट वेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर। ओके, तो वो बोलती है कि राइट्स ऐसा सिचुएशन होता है कि जब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, मार डालते हैं। अखिल को ये बात समझ में नहीं आती, सो पूछता है, व्हाई शुड पीपल हेट ईच अदर। ठीक है, लोग क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं। देन मुमताज बोलती है, बिकॉज दे आर डिफरेंट, क्योंकि वे डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। देन अखिल सेज दैट वेल एवरी वन इज़ डिफरेंट, टॉल शॉर्ट फैट थिन, हाउ कैन एवरी वन बी द सेम। तो अखिल बोलता है, अरे तो सभी लोग तो एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई लंबा है, छोटा है, मोटा है, तो एक दूसरे से अलग ही तो होते हैं लोग, एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं। देन मुमताज उसको बोलती है कि अम्मी सेज इट इज़ बिकॉज वी आर मुस्लिम्स। उसकी अम्मी बोलती है, ऐसा इसलिए है, हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं। बट अखिल बोलता है, आई डोंट हेट यू, आई लाइक यू, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुमताज़ इस बात को सुन के कुछ नहीं बोलती है, वो थोड़ी सी स्माइल करती है, उसे ये बात अच्छी लगती है। ओके, दैट हाउ डज दैट लुक, शी आस्क्ड। अब मुमताज़ अपनी रंगोली दिखाती है और बोलती है कि देखो ये कैसा है, जिसको देख के अखिल बोलता है, दैट इट इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है, तुम्हारा डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और मुमताज़ ने क्या बनाया है, मुमताज़ ने कैशल विथ डोम्स बनाए हैं, ठीक है, किला बनाया है डोम्स के साथ, और ये अलादीन का किला है, वो बोलती है इट इज़ अलादीन्स कैशल। अब अखिल पूछता है, व्हाट डज एंड व्हाट डज दैट मीन, आस्क्ड अखिल पॉइंटिंग टू समथिंग शी हैड रिटन अंडर द कैशल। तो उस कैशल के नीचे, उस किले के नीचे कुछ लिखा है उसने, वो उसको समझ नहीं पाता, तो वो पूछता है कि क्या लिखा है तुमने। एक्चुअली मुमताज़ ने वो उर्दू से लिखा है, और उसने लिखा है दिवाली मुबारक, यानी हैप्पी दिवाली। सो अब यहाँ पे दोनों बच्चे इतने मगन हैं अपने रंगोली बनाने में और उसको एंजॉय कर रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि कब जो है मुमताज़ की माँ अपने फ्लैट से निकल के मुमताज़ को ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है, और आते ही वो मुमताज़ को डांटने लगती है कि वो रंगोली ख़राब कर रही है अखिल की, उसको डिस्टर्ब कर रही है। बट अखिल बोलता है, नहीं, वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बल्कि वो मेरी मदद कर रही है। अखिल की माँ भी जो है वो मुमताज़ की मदर को समझाती है कि दोनों को एंजॉय करने दीजिए, रंगोली बनाने दीजिए। देन मुमताज़ की माँ थोड़ी सी हेजिटेट होती है और बोलती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज़ मुमताज़ ने उर्दू में लिखा है। इस पे अखिल की माँ बोलती है, नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है। और त्योहारों का तो मतलब ही होता है एक साथ मिलके मनाना, और ये दोनों त्योहार के मीनिंग को सही कर रहे हैं। दोनों त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने दीजिए। देन अब अखिल जो है वो अपनी माँ को पूछता है, उसने अपनी रंगोली कंप्लीट कर ली है। देर वी हैव फिनिश्ड, शेड अखिल, डू यू लाइक इट मम्मी? ठीक है, अखिल अपनी और मुमताज़ दोनों की रंगोली दिखा के बोलता है कि मम्मी क्या आपको ये पसंद आया? अखिल की माँ बोलती है यस, तुम्हारा और मुमताज़ दोनों का रंगोली बहुत सुंदर है, मैं इतनी सुंदर और कलरफुल रंगोली कभी नहीं बना पाती। नाउ एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज़ हैपनिंग? शी स्माइल्ड एट मुमताज़ मदर, हु स्माइल बैक शी अखिल, इवन बापूजी लाइक्स इट। एंड इंडीड बाप गांधी जीज स्माइल डिड सीम अ बिट वाइडर एज ही लुक डाउन एट द रंगोली फ्रॉम द वॉल। तो मुमताज़ की माँ को अखिल की माँ देखती है, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, और अखिल को उसकी मम्मी बोलती है कि देखो ऐसा लग रहा है कि बापूजी को भी तुम्हारी रंगोली पसंद आई। ठीक है, वो भी स्माइल कर रहे हैं, और सच में ऐसा लगता है जैसे कि बापूजी का जो सपना होता था, गांधी जी का जो सपना होता था कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलके त्योहारों को मनाएं, हमारे देश में एक साथ एकता से रहें, मिलजुल के रहें, वही दोनों सार्थक कर रहे हैं दोनों बच्चे, और इसलिए बापूजी भी खुश हैं। सो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ रिटन बाय तिथि तेवोरा, आप देख सकते हैं इसके ऑथर जो हैं, इसके ऑथर जो है वो तिथि तेवोरा हैं, और वॉज नोन एज अ डॉक्टर एंड द डॉटर इन लॉ ऑफ वन ऑफ गोवाज मोस्ट पॉपुलर रेडियो अनाउंसर ऑफ यस्टर ईयर्स, इमेल्डा डियाज टेवोरा। ठीक है, इमेल्डा डियाज टेवोरा की वो डॉटर इन लॉ थी और एक डॉक्टर भी थी, लेकिन तिथि तेवोरा जो हैं वो अपने राइटिंग के लिए भी जानी जाती हैं। उनका फेमस वर्क और रेनबो एंड स्टार है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द रंगोली बच्चों। इट्स टॉक अबाउट टू चिल्ड्रन, ओके, द इनोसेंट बिहेवियर एंड टॉकिंग ऑफ टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। ये दो छोटे बच्चों के बीच में बातचीत और साथ ही साथ दिवाली की रंगोली एक साथ बनाने पे बेस्ड है, और दोनों के बीच में जो बातें होती हैं वो बहुत ही ऐसा हमें बताती है कि ऐसे उनकी बातें जो होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं संदेश दे जाती हैं कि लोग जो होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं। ठीक है, और जाति और धर्म जो है वो उनको बांट नहीं सकता। हम सबको एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि हम सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है। जाति और धर्म तो इंसानों ने बनाए हैं, नफरत तो इंसान पैदा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमें बड़ी सीख दे जाते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो कीप ऑन स्टडिंग चिल्ड्रेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।